कोरोना काल में एको जांच अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की संख्या कम पड़ रही है। स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के चलते लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में नर्सिंग कर्मियों की भर्ती करवाने के नाम पर रिश्वतखोरी का काला कारोबार चल रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो अलवर के सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कर्मियों की भर्ती में धांधली कर रिश्वत के पैसों का ढेर लगा रहे हैं। वहीं ACB की टीम ने जाल बिछाकर रिश्वत लेने वाली कंपनी के सुपरवाइजर, पार्टनर, दलाल और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर के अंदर जो ESIC मेडिकल हॉस्पिटल और जो कॉलेज है उसके अंदर एक तरह से सुविधा कर्मी के रूप में कुछ भर्तियाँ होनी थी, जिसका एग्रीमेंट गुजरात की एक कंपनी है उसका और यहाँ के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत भर्तियाँ होनी थी। तो पिछले कई दिनों से अलवर के अंदर ये भर्तियाँ हो रही थी, उसकी जानकारी हमें लगी, हमें और उस जानकारी को हमने डेवलप किया और हमने टेक्निकल जो हमारे संसाधन है उनका भी यूज़ करके और जो सारी जानकारी जुटाई उसमें ये सामने आया कि जो यहाँ SJ सोलंकी कंपनी गुजरात की जो कंपनी है उसके जो एम्प्लॉय यहाँ भर्तियाँ कर रहे थे, शर्तों के अनुसार वो लोग भर्ती जिन लोगों की हो रही थी उनसे पैसे नहीं ले सकते थे, लेकिन फिर भी ये लोग उनसे नर्सिंग कर्मी के 1.5 से लेकर 2 लाख और उससे ज़्यादा रुपए भी लोगों से लिए। इसके अलावा नर्सिंग सहायक थे उनके 60,000 से लेकर 90,000 तक के रुपए इन्होंने लिए। ये अभी तक लगभग 100 लोगों की भर्तियाँ कर चुके हैं जिनमें कुछ लोग सिफारिशी हैं, लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर लोगों से इन्होंने पैसों की वसूली की है। उस सूचना के तहत हम कई दिनों से इस पर काम कर रहे थे, पिछले 2-3 दिन से हम अलवर में थे और उसी दरमियान हमने जो जानकारी जुटा के पूरी उसको डेवलप करके कार्रवाई की है। तो जो कंपनी का सुपरवाइज़र है भरत पूनिया, उनको आज हमने डिटेन किया है और आगे गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी, जिनसे हमने लगभग 4.5 लाख रुपए के रूप में जो कि इन्होंने रिश्वत के रूप में लोगों से लिए हैं वो बरामद किए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इस मामले में बड़े बड़े लोगों का हाथ होने की बात सामने आ रही है, जिसमें अलवर के BJP सांसद बालकनाथ के कथित PA कुलदीप सिंह की भी संदिग्ध भूमिका सामने आई है। ACB के सूत्रों के अनुसार नर्सिंग कर्मियों की भर्ती के मामले में पहले सांसद बालकनाथ की सिफारिशों के पत्रों पर ईमानदारी के साथ भर्ती कर ली गई, लेकिन जब सांसद की सिफारिशी पत्र रोज आने लगे तो भर्ती करने वाली गुजरात की कंपनी MJ सोलंकी के अधिकारियों ने रिश्वत लेना शुरू कर दिया। सूत्रों के अनुसार कुलदीप ने पहले तो 20-25 लाख रुपए की मांग की, लेकिन बाद में 4 लाख रुपए में निपटारा हो गया। पकड़ा है जिनको गिरफ्तार करेंगे। इसके अलावा अन्य कई लोग हैं जिन्होंने दलाल के रूप में काम किया। इसके अलावा जो इनका मैनेजमेंट है कॉलेज का जो भर्ती कर रहा था, इनके जो दलाल वाले जो पैसे आते थे उनको तो भर्ती करते थे, इसके अलावा भर्ती नहीं करते थे, तो उनकी भूमिका की भी जाँच की जाएगी। इसके अलावा एक कोई कुलदीप सिंह यादव जिनका नाम बताया जा रहा है, वो अपने आप को सांसद महोदय उनका PA बताता है, तो उनको भी उनका भी नाम आ रहा है जिसके अंदर वो इनकी आपस में बातचीत होती है, जिसमें जिन लोगों के उनके माध्यम से भर्ती हुआ तो ये 5 लाख रुपए वो उनसे मांग रहा है कि मेरे द्वारा जो भर्ती करवाए हम तो उनसे डायरेक्ट पैसे नहीं ले सकते, लेकिन तू मुझे जो पैसे दिए उनमें से दे, तो ये तो 4 लाख रुपये देने की बात करते हैं, वो 5 लाख रुपये मांग रहा है, तो उनकी भूमिका भी संदिग्ध है, उनसे जो इस तरह की वार्ता है उनके बारे में अनुसंधान किया जाएगा। अन्य कई लोग हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध है उनके ऊपर अनुसंधान किया जाएगा। कोई मंत्रालय का आदमी हो, राज्य स्टेट मंत्रालय या सेंट्रल गवर्नमेंट से? अभी तक जो हमारे जो जिस तरह की जो जानकारी आई है उन सब पे, इसके अलावा अनुसंधान में और भी कोई जानकारी आएगी उनके ऊपर भी अनुसंधान किया जाएगा। आरोप है कि नर्सिंग कर्मी के लिए 1.5 लाख रुपए और सहायक नर्सिंग कर्मी के लिए 90,000 रुपए की रिश्वत ली जा रही थी। रिश्वत देने पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आसानी से बन रहा था। ACB ने 18 जून को कंपनी के एक और सुपरवाइजर काना राम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 17 जून को कंपनी के पार्टनर मंजुल पटेल को अजमेर से 15 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस रिश्वत कांड में और कितने नाम सामने आते हैं और आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। पंजाब केसरी TV के लिए जयपुर से बनवारी उपाध्याय की रिपोर्ट।